मैंने बाइक राइडिंग में ऑल इंडिया फास्टेस्ट फोर कॉर्नर्स एक्सट्रीम कॉर्नर्स जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पहले से तय किए हुए हुए फोर कॉर्नर्स होते हैं, उनकी कैटेगरीज हैं अलग अलग रिकॉर्ड्स की। उसमें फास्टेस्ट फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो मैंने शुरुआत की थी वेस्ट, जो कि गुजरात, मतलब गुजरात में कोटेश्वर करके एक जगह है जहाँ से नारायण सरोवर है, वहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर बहुत ही नज़दीक है। बहुत बार गलतियों से अपने फिशरमैन पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान से यहाँ आ जाते हैं। सो दैट पर्टिकुलर प्लेस दैट इज़ ऑन वेस्ट कॉर्नर। वहाँ से कन्याकुमारी साउथ कॉर्नर जो कि कन्याकुमारी है, वहाँ से ईस्ट का कॉर्नर दैट इज़ कॉल्ड तेजू, TEZU, तेजू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। कई लोगों को ये है कि वो आसाम में, आसाम नहीं, आसाम से आगे अरुणाचल प्रदेश जो कि चाइना की बॉर्डर है, एंड फ्रॉम देयर टू लेह, लेह से वापस दैट इज़ अ नॉर्थ पार्ट, लेह मतलब नॉर्थ का पॉइंट, एंड वहाँ से सीधा वापस कोटेश्वर इन गुजरात। दिस ऑल फास्टेस्ट फोर कॉर्नर आई कंप्लीटेड दैट इन 17 डेज 18 आवर्स 51 मिनट्स। 17 दिन 18 घंटे 51 मिनट्स में मैंने वो कंप्लीट कर दिए और एक नया रिकॉर्ड बना लिया। ओके, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। ये टूर करने का या ये ट्रिप करने का मतलब कहाँ से मुझे इंस्पायर हुआ? मैं बेसिकली जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, 12th तक मैंने गुजरात में जामनगर सिटी में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की SP यूनिवर्सिटी, दैट इज़ इन आनंद, वल्लभ विद्यानगर। तो वहाँ पे मैं पढ़ाई करता था, तब भी मैं वहाँ से जब भी वेकेशन होती थी तो मैं जामनगर बाइक पे आता था। उसके बाद मैंने मास्टर्स की पुणे में, भारतीय विद्यापीठ पुणे से, तो वो पुणे से भी मैं जब भी वेकेशंस हैं तो मैं बाइक से मतलब जामनगर आता था वेकेशंस में। तो बाइक राइडिंग मेरे अंदर थी ही पहले से, वो हॉबी थी, वो पैशन थी बाइक। सो अब बारी आती थी लाइक हाउ आई इंस्पायर, कि इतनी लंबी टूर, ये तो सब छोटी छोटी टूर्स है, 300 1000 किलोमीटर्स की, पुणे से अगर जामनगर गिने हो तो 1000 किलोमीटर्स होता है। तो ये तो छोटी ट्रिप थी, पर ये बड़ी ट्रिप का ख्याल कैसे और कहाँ से आया? अब ये ट्रिप में मैंने सबसे पहले एक मैसेज स्प्रेड ऑन किया था, दैट वाज एजुकेट गर्ल चाइल्ड, जो सब लोग स्लोगन्स लगा रखे थे गवर्नमेंट ने कि भाई एजुकेट, सेव गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेट गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरा स्लोगन था सिर्फ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ क्यों? लाइक आई विश टू शेयर अ इंसिडेंट कि आई एम वर्किंग इन वन शिपिंग कंपनी, मैं एक शिपिंग कंपनी में एज एन HR जॉब कर रहा हूँ। HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। मेरा काम रिक्रूटमेंट का ज़्यादा है, जिसमें HR में भी बहुत सारी फील्ड्स है, उसमें रिक्रूटमेंट ज़्यादातर मैं करता हूँ। रिक्रूटमेंट में भी मैं इंटरव्यूज लेता हूँ जो लोगों को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है। मर्चेंट नेवी इट्स ए प्राइवेट सेक्टर। मर्चेंट नेवी मतलब शिप के ऊपर जो काम करने वाले लोग होते हैं, शिप को चलाने वाले जो एक लोग होते हैं, उस फील्ड को मर्चेंट नेवी बोलेंगे, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं। तो जैसे कि कैप्टन, आपको अगर पता हो तो कैप्टन, चीफ इंजीनियर, बहुत सारी अलग अलग पोस्ट होती है। तो उन सब के फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस लोगों के मैं इंटरव्यूज लेता था। तो मैं एक बार आंध्र प्रदेश में और बहुत सारी जगहों पे, मैं किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मैं इंटरव्यू ले रहा था। इन इन दैट इंटरव्यू वो सामने वाले बंदे ने मुझसे बहुत सारी ऐसी चीज़ों की डिस्क्लोज किया जो मुझे पता ही थी, पर मुझे इतना नहीं पता था कि इतनी हद तक वो अपने समाज में एक अलग तरह की चीज़ जो हो रही थी वो मुझे इन्फॉर्म किया। वो चीज़ ये थी कि मैं जब इंटरव्यू ले रहा था तो वो बंदे का टेक्निकल नॉलेज नहीं था, कुछ इतना खास वो नहीं था, प्लस ही वॉज नॉट फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग। मैंने उससे पूछा कि भाई आप ये अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तो आप क्या करोगे लाइफ में? आपका इंग्लिश ठीक नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपके पास, आपके पिताजी के पास बिजनेस नहीं है, कुछ ये वो नहीं है, तो आप करोगे क्या? आई जस्ट वॉन्ट टू नो हिज प्लान। तो उसने मुझे जो चीज़ बताई, मैं कभी कभी ऐसे उल्टे सवाल करता रहता हूँ इंटरव्यूज़ में, तो मुझे उससे काफ़ी सारी नॉलेज भी मिलती है, अपग्रेड होता हूँ मैं किसी तरह से कहीं ना कहीं। तो मैंने उससे पूछा जस्ट फॉर माय नॉलेज, माय क्यूरियोसिटी, कि क्या आप करोगे? तो उन्होंने मुझे एक सीधी तरीके से बताया कि सर मैं मैरिज करूँगा, मैं शादी करूँगा। मैंने बोला शादी करोगे तो क्या करोगे? तो बोला शादी करूँगा तो उसके बाद मुझे हाफ दी अमाउंट मिलेगी एज एन डाउरी, दहेज, जिसको हम दहेज बोलेंगे, डाउरी बोलेंगे, वो मुझे मिलेगी। आजकल नया नाम है उस डाउरी का, दैट इज़ कॉल्ड गिफ्ट। वो गिफ्ट बोलते हैं उस चीज़ को।
अब गिफ्ट भी एक तरह की ज़्यादा अमाउंट आपको मिल गई, दैट इज़ ऑल डाउरी ओनली, वो डिमांड करते हैं उस तरह से, वो चीज़ तो ठीक है एक तरह से, अभी भी मतलब समाज में ऐसे बहुत सारे अपने इंडिया में स्टेट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें चल रही है, वो ठीक है, वो भी एक हद तक एक्सेप्टेबल, चलो अपना जिन जिन कम्युनिटी का जिसका जो भी मतलब वो रूल्स हो रिचुअल्स हो वो लोग फॉलो कर रहे हैं, पर ये कहाँ की बात है कि भाई आज की डेट में भी जब लेडी प्रेग्नेंट होती है और उन लोगों को किसी भी तरह से पता चले कि भाई इनसाइड दैट देर इज़ अ बेबी गर्ल, तो वो अबॉर्शंस करते हैं। अबॉर्शंस जब अभी भी आज की डेट में भी हो रहा है, राइट, एंड ड्यू टू दिस ओनली कि बेबी गर्ल चाइल्ड, उसी की वजह से ज़्यादा अबॉर्शंस होते हैं। तो मेरा स्लोगन ये था कि एजुकेट गर्ल चाइल्ड, एजुकेट मतलब उनको शिक्षा नहीं देनी, स्कूल नहीं भेजना है, स्कूल की बात नहीं कर रहा, वो एजुकेशन की बात अलग है, मैं एजुकेट मतलब उनको समझाना है। अगर जो फीमेल बचपन से चाइल्ड साइकोलॉजी वर्क्स हुई है, चाइल्ड साइकोलॉजी जो बच्चों को हम लोग पहले से एक चीज़ अपनी सब लोगों की एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री है, वो बाउंड्री हम तोड़ नहीं सकते किसी भी हाल में, राइट, तो उस हिसाब से वो बच्चों को पहले से एजुकेट करें, उनको समझाएं कि भाई ये चीज़ गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। आज जो बेबी होती है वो फीमेल की बॉडी में होती है, दे ओनली कैन डिलीवर, मेल कभी भी, कोई भी पुरुष कभी भी डिलीवरी नहीं करता है, वो फीमेल ही करती, फीमेल को पुरुष लोग, मेल डोमिनेंट कंट्री है अपनी, तो वो किसी भी तरह से उनको कन्विंस करके उस हद तक पहुंचा देते हैं कि भाई ठीक है, वो फीमेल खुद हैप्पीली अबॉर्शन के लिए रेडी हो जाती है, एंड दैट इज़ ड्यू टू ओनली दिस ओनली कि फीमेल है, तो अभी बॉय मेल फीमेल रेशियो जो है यंगस्टर्स में, जो भी आप समझो, उस हिसाब से 1000 मेल के सामने 832 फीमेल्स ही है, राइट, छोटे जो भी है फीमेल्स की, राइट, तो दिस रेशियो इज़ नॉट गुड, प्लस ये रिवाज और ये थिंकिंग, ये मेंटालिटी गलत है, इसलिए मेरा स्लोगन सिर्फ इतना था कि एजुकेट गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करोगे वो जब बड़ी होगी तब उसको कोई कन्विंस करेगा कि बेबी गर्ल है तो वो अपोज करेगी, नो, अगर वो एजुकेटेड है तो, एजुकेटेड मीन्स, अगेन आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड क्लेरिफाइंग, एजुकेटेड मीन्स स्कूल जाके 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा ग्रेजुएशन कंप्लीट करना नहीं है, एजुकेट मीन्स सही समझ, राइट, क्योंकि जो लोग अबॉर्शंस करते हैं वो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो डाउरी लेते हैं, गिफ्ट लेते हैं, दे आर गिविंग सम नेम, तो दोज पीपल आर एजुकेटेड, दे डू हैव क्वालिफिकेशंस, दे आर नॉट एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ, दे आर क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन है उनके पास, दे आर क्वालिफाइड पर्सन, दे आर नॉट एजुकेटेड पर्सन, सो माई स्लोगन कम्स दैट, एंड देन मैंने 2016 में एक ड्राइव किया, उस टाइम पे भी मैं लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए ही निकला था, पर मेरे से हो नहीं पाया, ब्रेक नहीं हो पाया, पर उस टाइम पे भी यही स्लोगन था, उस टाइम पे मैंने 48 डेज कंटिन्यूस बाइक चलाई थी, 17,000 किलोमीटर्स कंप्लीट किए थे इन ऑल इंडिया सर्कमफेरेंस टूर, आई बिकम ऑफिशियल राइडर, मैंने रॉयल एनफील्ड की एक फोरम है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल फोरम, उसमें 2016 में वहाँ पे मेरी प्रोफाइल भी शो की थी, कि कोई भी ऑनलाइन अगर देखे तो मेरी प्रोफाइल शो हो रही थी, प्लस उन्होंने मुझे इनवाइट किया था गोवा में जब उनका गेट टुगेदर था ट्रैवल फोरम में, तब मैं मतलब वहाँ जाके भी मैंने स्पीच दी थी, तो देट वॉज ऑनर, बट एक कहीं ना कहीं ऐसा रह गया था कि एक रिकॉर्ड मेरे नाम से होना चाहिए, तो वो रिकॉर्ड के लिए इन 2019 अगेन आई स्टार्टेड विथ ऑल इंडिया फोर कॉर्नर्स, इस बार मुझे सक्सेस मिल गई एंड आई कम्प्लीटेड इन 17 डेज 18 आवर्स 51 मिनट्स। ओके, नाउ इस टूर के पीछे मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली थी, तकरीबन इस टूर के जितने भी गैजेट्स इंक्लूडिंग लाइक नॉट, आई एम नॉट इंक्लूडिंग बाइक को मैं इंक्लूड नहीं, बाइक की कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा जो भी जहाँ भी मैं जितने दिन रहा, खाया पिया, प्लस आई एम बिलोंगिंग टू जैन कम्युनिटी, सो मैंने पूरे इंडिया की दोनों ट्रिप में मैंने सिर्फ जैन खाना, जैन में बेसिकली आलू प्याज लहसुन, यस पोटेटोज भी नहीं, आलू प्याज लहसुन नहीं खाई थे, एंड प्लस प्योर वेज रेस्टोरेंट में ही खाना है खाने का, जहाँ पे नॉन वेज मिल रहा हो वहाँ पे नॉन वेज वाले रेस्टोरेंट में खाना ही नहीं खाने का, तो ये सारी प्लस गियर्स, मैं अभी भी लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी वो लॉन्ग ड्राइव के लिए जाए, जब भी आप जाओ तो राइडिंग जैकेट्स आते हैं, वो राइडिंग जैकेट्स, नी गार्ड्स, ये अपने घुटनों के लिए नी गार्ड्स होते हैं, वो हेलमेट, सारे इक्विपमेंट्स ठीक तरह से पहनो, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक बार 120 की स्पीड पे मैं गिरा था और एक खरोच भी नहीं आई, आई एम लकी, ज़रूरी नहीं मुझे नहीं आई तो आपको नहीं आएगी, बट वो गियर्स की वजह से मैं बच गया, बेसिकली गियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट,
उसको गियर्स बोलेंगे, जो जैकेट, जो सेफ्टी जैकेट्स था, जो हेलमेट, नी गार्ड्स, उन सब चीज़ों को गियर्स बोलते हैं। तो वो सब पहन के ही मैं गया था। उन सारी की कॉस्ट अगर मैं मिलाऊँ, पेट्रोल, फ्यूल, फूड, अकोमोडेशन, सारी चीज़ें मैं अगर इंक्लूड करूँ, तो तकरीबन नियरली 3 लाख रुपीज़ का खर्चा हुआ था। उसमें मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली थी, बट येस आई एम लकी कि मेरी जो कंपनी है उन्होंने मेरी सारी दोनों ट्रिप में सारी छुट्टियाँ अप्रूव कर ली थी, छुट्टियाँ, और विदाउट डिडक्टिंग सैलरी। तो वो एक तरह का स्पॉन्सरशिप ही आप समझ लीजिए कि मेरी कंपनी ने, मतलब मेरी सैलरी डिडक्ट नहीं की थी और मुझे छुट्टी भी दी थी, तो मैं कुछ कर पाया। सो देर वर नो स्पॉन्सर्स। हाँ, अभी नेक्स्ट, इन माय नेक्स्ट प्लान, अगर मुझे ठीक ठाक मतलब स्पॉन्सरशिप अगर मिल गई तो क्रॉस कंट्री मुझे करनी है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाके, मतलब सेम थिंग, और या तो कोई और एक नया रिकॉर्ड के लिए सोचूंगा। बट येस, बिफोर दैट दो चीज़ें कि मैं अपनी फिजिकल फिटनेस देखूंगा, प्लस स्पॉन्सरशिप देखूंगा। स्पॉन्सरशिप नहीं है तो मैं अपनी सेविंग्स देखूंगा, बहुत सारे कैलकुलेशंस बाकी है, बट येस आई विल नॉट स्टॉप। मुझे बैठना नहीं है, और भी अब दो ट्रिप्स करनी है।